बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में गत बुधवार को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध मरीज के सैंपल नेगेटिव आए हैं, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि गत बुधवार को बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पनियाला गांव के एक संदिग्ध को भर्ती किया गया था। ये व्यक्ति HRTC के नालागढ़ में डिपो में उसी में बतौर कंडक्टर काम कर रहा था, जो दिल्ली से बाया नालागढ़ ऊना हमीरपुर जा रही थी। इसी बस में जमातिया भी शामिल थे। आशंका जताई जा रही थी कि ये व्यक्ति कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो, इसलिए इस व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं COVID-19 सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर परविंदर का कहना है कि गत बुधवार को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध मरीज को सैंपल नेगेटिव आए हैं, जो कि अच्छी खबर है। कल जो बिलासपुर में एक सैंपल लिया गया था, जो एक बस का कंडक्टर था नालागढ़ से, जो हमीरपुर के लिए बस आई थी, उसमें यह शक था कि शायद उसमें एक पॉजिटिव केस बैठा हुआ था। तो कल जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया था वो नेगेटिव आया है और उसमें कोरोना के कोई सिम्टम नहीं मिले हैं।